हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं पिरिडीन के बारे में, जो कि एक 6 सदस्यीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसके अंदर जो हेट्रो एटम है वो नाइट्रोजन है। अब तक हम 5 मेंबर्ड या 5 सदस्यीय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम पढ़ चुके हैं, जो कि एरोमेटिक थे, जो कि ये जो एक्स है वो हेट्रो एटम है। इस तरह के हमने थायोफीन, फ्यूरेन और पायरोल के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं पिरिडीन के बारे में कुछ जानकारियाँ, लेकिन इससे पहले के पिरिडीन के बारे में जाने, उसकी प्रिपरेशन के बारे में जाने, कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। देखिए, नाइट्रोजन एटम जो हेट्रो एटम है पिरिडीन में, उसको नंबर 1 दिया जाता है, जैसा कि हर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग होती है। साथ में नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ जो फर्स्ट कार्बन है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्फा, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो उसको कहा जाता है बीटा, और जो पैरा पोजिशन पे है नाइट्रोजन के उसको कहा जाता है गामा। इसके अलावा जो नंबरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से है। जाहिर सी बात है कि इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में नाइट्रोजन हेट्रो एटम है और बाकी इसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हैं और ये एरोमेटिक सिस्टम है। बेंजीन की तरह ही, बेंजीन के न्यूक्लियस की तरह ही इस वलय के तल के ऊपर, यानी प्लेन के तल के ऊपर, रिंग के तल के ऊपर, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे, ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स के रिंग होते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि बेंजीन में होते हैं। और एक बात और कि नाइट्रोजन का जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन का होता है वो एरोमेटिक सेक्सटेट में, एरोमेटिक रिंग के 6 पाई इलेक्ट्रॉन में वो शामिल नहीं होता है। तो ये चीज़ें थी जो इससे पहले हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखे थे, उनके अंदर हमने देखा था कि वो एरोमेटिक हैं, क्योंकि नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वलय में 6 पाई इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करने के काम आते हैं। सो लेट अस सी अ फ्यू इन्फॉर्मेशंस अबाउट पिरिडीन, व्हाई पिरिडीन इज इम्पॉर्टेंट, पिरिडीन महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों उसको पढ़ा जाए, कुछ थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ते हैं। देखिए, ये है पिरिडीन का न्यूक्लियस, और या पिरिडीन रिंग को पिरिडीन न्यूक्लियस कहा जाता है, और कई तरह के यौगिकों में ये पिरिडीन न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट यौगिकों में प्रेजेंट होता है, जैसे कि विटामिन B6 में पिरिडीन न्यूक्लियस है, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाले जो दवाइयां हैं उनके अंदर पिरिडीन का जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हाइपोटेंसिव एजेंट्स, टेंशन तनाव को कम करने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर पिरिडीन का न्यूक्लियस होता है। फिर देखिए आप, एनाल्जेसिक यानी बॉडी या पेन को कम करने के जो दवाइयां होते हैं उनके अंदर पिरिडीन का न्यूक्लियस होता है। साथ ही देखिए एनालेप्टिक्स जिसे कहते हैं, यानी बॉडी के ताकत को या जनरल हेल्थ को बढ़ाने के लिए जो यौगिक होते हैं उनमें भी पिरिडीन का न्यूक्लियस होता है। ये देखिए निकोटीन, जो कि टोबैको में पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है, निकोटीन का आपने नाम बहुत सुना होगा, उसके अंदर भी पिरिडीन का न्यूक्लियस है। आप इसके अलावा देखिए विटामिन नियासिन में जो है उसके अंदर पिरिडीन का न्यूक्लियस है, और आप देखें कि B6 की बात हुई थी तो उसके अंदर पिरिडीन का न्यूक्लियस है, और सबसे बड़ी बात जो है आप NADPH वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, जो कि बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं, ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन में महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं NAD या NADP, तो उनमें भी देखिए आप पिरिडीन का जो न्यूक्लियस किसी न किसी तरह से उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा देखिए ट्यूबरकुलोसिस यानी TB जो होता है उसके जो दवाई होती है उसके अंदर भी पिरिडीन का न्यूक्लियस होता है, और इसके अलावा तरह तरह के एंटी बैक्टीरियल्स में भी पिरिडीन का न्यूक्लियस होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता होगा कि पिरिडीन जो है एक इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ बातें इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, नोट के शक्ल में, ताकि सुविधा हो आपको लिखने के लिए। पिरिडीन, सिंपल पिरिडीन आर स्टेबल एंड रिलेटिवली अनरिएक्टिव लिक्विड्स। जो सिंपल पिरिडीन होते हैं, अप्रतिस्थापित या कम प्रतिस्थापित सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स या सिंपल प्रतिस्थापितों वाले पिरिडीन जो होते हैं, यूजुअली जनरली वो स्थायी होते हैं और अनरिएक्टिव लिक्विड होते हैं, यानी अभिक्रियाशील नहीं होते, अभिक्रियाशील नहीं होने वाले द्रव हैं ये।
Pyridine and their derivatives are used as solvents and as bases in a variety of reactions. Pyridine और उसके जो व्युत्पन्न हैं वो विलायक के रूप में और क्षार के रूप में कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में या कई रिएक्शंस में वो pyridine यूज होते हैं या pyridine के डेरिवेटिव व्युत्पन्न यूज होते हैं. इंपॉर्टेंस क्यों है pyridine का, अभी हम देख चुके हैं. pyridine रिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फंडामेंटल मेटाबॉलिज्म. हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है फंडामेंटल, उसमें pyridine का जो न्यूक्लियस है, pyridine का जो रिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ प्रेजेंट इन NAD, NADP में ये प्रेजेंट होता है. ये इसका बहुत बड़ा सबूत है कि pyridine एक इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. pyridine nucleus is present in nicotine, जो कि हमने अभी देखा था इससे पहले वाले स्लाइड में. निकोटीन में वो उपस्थित होता है, विच इज़ pyridine alkaloid from tobacco plant. वो alkaloid है जो कि tobacco plant में ये present होता है nicotine, और उस nicotine में pyridine का nucleus present होता है. pyridine nucleus और pyridine ring is present in isoniazide used in the treatment of tuberculosis. tuberculosis के जो दवाई होती है उसके अंदर भी pyridine का nucleus या pyridine का ring उपस्थित होता है. pyridine ring is present in paraquat. paraquat जो कि weed killer है या खरपतवार को मारने वाला जो दवाई होता है उसके अंदर भी pyridine का ring होता है. pyridine ring is present in vitamin B6 जो कि हमने अभी देखा. pyridoxine में भी ये pyridine का जो रिंग है वो प्रेजेंट होता है. तो इससे हमें अंदाज़ा हो सकता होता है कि pyridine एक इम्पॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. तो चलिए आइए उसके सिंथेसिस के बारे में देखते हैं. सिंथेसिस ऑफ pyridine यानी pyridine का संश्लेषण. लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको बताना शेयर करना चाहूँगी कि जनरल स्ट्रेटजी क्या होता है कि सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को बनाने की जनरल स्ट्रेटजी है. जनरल प्लान क्या होता है, स्ट्रैटेजी यानी प्लान. प्लान क्या होता है, प्लान ये होता है कि अगर ये छह सदस्यीय वलय है तो इसके बंधों को तोड़ के जो मिलेगा वो है ये फाइव मेंबर कंपाउंड और एक वन मेंबर कंपाउंड या मॉइटी या टुकड़ा. तो इस तरह के हमें कुछ मॉलिक्यूल्स चूज करने पड़ेंगे जो कि फाइव मेंबर्ड हों और वन मेंबर्ड हो और दोनों को आपस में जोड़ें अगर, तो फिर वो सिक्स मेंबर्ड कंपाउंड बनाए. यहाँ जो ये वाला जो सिंबल है ये डिसकनेक्शन अप्रोच का सिंबल होता है और ये जो है वो आप कह सकते हैं रेट्रोसिंथेसिस या रिएक्शन यहाँ से यहाँ होती है. लेकिन इससे इसको प्राप्त कर सकते हैं इसलिए ये वाला सिंबल यूज़ किया जाता है. तो इस सिंबल से आप को इसको चेंज नहीं कीजिएगा. इसका अर्थ है डिसकनेक्शन या फिर रेट्रोसिंथेसिस. तो ये देखिए इस तरह से वन एंड फाइव से भी सिक्स मेंबर रिंग को बनाया जा सकता है. ये है वन और ये है फाइव. तो इसी तरह से 1+5 दोनों को जोड़ के रिंग बन सकता है सिक्स मेंबर रिंग. उसी प्रकार से 3+3 स्ट्रेटेजी भी हो सकती है. यानी ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और ये एक्स जो है हेट्रो एटम अगर है तो इसको अगर इस प्रकार से ब्रेक करते हैं तो हमें 1+2+3 और 1+2+3 इस तरह से 3+3 एटम्स का जो है दो ग्रुप्स हमें मॉइटीज हमें मिल सकते हैं जिनको आपस में जोड़कर हम सिक्स मेंबर्ड रिंग बना सकते हैं. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन या तो यूं होगा या तो यूं होगा और इन दोनों ही स्थिति में हमको ये कंपाउंड प्राप्त होगा. तो ये रिवर्स रिएक्शन का रिएक्शन होता कि इसको किससे बनाया जा सकता है उस एरो को इस प्रकार से लिखते हैं. और इसका ये भी अर्थ है कि इनसे ये प्राप्त होगा, ये इसका अर्थ है. इसी तरह से हमने इससे पहले फाइव मेंबर रिंग्स पढ़े थे उनका जो है 1+4 या 2+3 का स्ट्रेटजी प्लान हो सकता है. तो हमने इससे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं उन रिएक्शंस को आप देखिए, उसमें 1+4 लगाने की कोशिश कीजिए, 2+3 लगाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो सिंथेसिस किस प्रकार से होते हैं. आइए यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस आज देखते हैं. देखिए pyridine जो है उसका दूसरा नाम जो है azine है. इट इज़ फाउंड इन azine IUPAC नेम है. इट इज़ फाउंड इन फॉसिल ऑयल, अस्थि तेल में पाए जाते हैं, कोलतार में पाए जाते हैं, एल्कलॉइड्स में पाए जाते हैं जो कि प्लांट्स में उपस्थित हैं. तो आप ये देखिए कि कोलतार से किस तरह से हम इसको पा सकते हैं. कोलतार या तारकोल जिसे आप कहते हैं उसका प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाए. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो लाइट ऑयल फ्रैक्शन यानी जिसका
जो बॉइलिंग पॉइंट कम है वो प्रभाज, कम बॉइलिंग पॉइंट वाला प्रभाज जिसको लाइट ऑयल फ्रैक्शन कहा जाता है उसको लिया, उसमें पिरिडीन भी होता है, अल्काइल पिरिडीन भी होता है और तरह तरह के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसको रिएक्ट करते हैं इस प्रभाज को डाइल्यूट H2SO4 से, जिससे कि पिरिडीनियम सल्फेट बनता है और दूसरे जो अदर H2O सॉल्युबल बेसिस भी बनते हैं और साथ में एक एरोमेटिक लेयर अलग हो जाता है। देखिए ये जो ऑयल है, ऑयल का एक ही पूरा लेवल या एक ही फेज होता है, इसमें दो जो है दो लेयर्स नहीं होते, दो सतह नहीं होती, एक ही सतह होता है। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, जो पिरिडीन है वो पिरिडीनियम सल्फेट बना लेता है और जो कि सॉल्ट है, और वो जो सॉल्ट है वो पानी में घुल जाता है। पानी कहाँ से आया? डाइल्यूट H2SO4 में आया। तो यानी अब तक जो एक ही सतह थी, यहाँ तक आते आते दो सतह हो जाएगी, एक ऑयल का होगा और एक लिक्विड का होगा, जो कि वो एक ऑयल का होगा और एक एक्वस होगा, जिनको कि अलग अलग कर सकते हैं। जो एक्वस लेयर है, एक्वस लेयर में पिरिडीनियम सल्फेट होगा और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो वो ऑयल में ही पड़े हुए होंगे। तो जो वाटर लेयर है, जिसमें अलग दूसरे बेसिस भी आ जाएंगे और पिरिडीनियम का, पिरिडीन का सल्फेट भी आ जाएगा, उसको हमने अलग कर लिया लेयर को, और तो हमारे पास बचा पिरिडीनियम सल्फेट एंड सॉल्ट्स ऑफ अदर बेसिस। दूसरों के, दूसरे जो जैसे अल्काइल पिरिडीन है, उनके भी सॉल्ट्स वगैरह इसके अंदर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो उसके साथ आप आगे जो है, इसके अलावा यहाँ पर होगा एरोमेटिक लेयर, जो एरोमेटिक लेयर सेपरेशन करने के बाद जो है यहाँ पर नहीं आया है, तो एरोमेटिक लेयर जो है यहाँ पर छूट गया। अब आप देखें कि इस लेयर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं NaOH के साथ। देखिए ये सॉल्ट है और इसको न्यूट्रलाइज़ किया हमने NaOH के साथ, तो NaOH जो है वो पिरिडीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए अब जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम के साथ सॉल्ट बनेगा, यानी सोडियम सल्फेट बनेगा। दूसरे ऑर्गेनिक बेसिस उनके वो अलग हो जाएंगे और बचा हुआ NaOH अलग हो जाएगा और एक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड हमें प्राप्त होगा। तो इस पूरे मिश्रण में पिरिडीन अलग हो गया और पिरिडीन से रिलेटेड जो दूसरे हैं वो भी अलग हो गए, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अपना सॉल्ट बना लिया, पानी है ही और बचा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके अंदर है। तो ये पूरा जो है वो डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड है। इसका फिर प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया तो पिरिडीन और पिकोलीन जो है वो अलग से हमें प्राप्त हो जाते हैं, और इसका जो है ऑक्सीडेशन अगर पिकोलीन का किया गया तो निकोटिनिक एसिड प्राप्त हुआ, और जिसको कॉपर और क्विनोलिन के साथ जब गर्म करते हैं तो CO2 इसमें से निकल जाता है और पिरिडीन अलग हो जाता है, इससे भी हमें पिरिडीन प्राप्त होता है। तो यहाँ जो है प्योर पिरिडीन इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जब इसका ऑक्सीडेशन किया था तो CH3 जो है वो COOH में कन्वर्ट हुआ था, और साथ में ये पिरिडीन और निकोटिनिक एसिड साथ में है, जो कि निकोटिनिक एसिड इज कॉल्ड एज विटामिन, इज विटामिन ए, और फिर ये जो निकोटिनिक एसिड का COOH है वो हीट करने से निकल गया, तो यहाँ भी पिरिडीन हमें प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी पिरिडीन प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ पिरिडीन। देखिए एसिटिलीन से भी पिरिडीन को बनाया जा सकता है। एसिटिलीन का HCN के साथ 2:1 रेशियो में इन दोनों को लिया जाता है, यानी दो एसिटिलीन के मॉलिक्यूल और एक HCN का मॉलिक्यूल इसको लिया और उसको रेड हॉट ट्यूब में से इसको पास किया, और इस तरह से पिरिडीन बना। कमर्शियल मेथड जो है उसमें देखिए टेट्राहाइड्रो फर्फ्यूराइल अल्कोहल को लिया गया, ये देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और उसका एमोनिया से NH3 के साथ रिएक्शन करवाया गया 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पिरिडीन प्राप्त हुआ और साइड प्रोडक्ट ये वाटर और हाइड्रोजन मिला। तो ये दोनों रिएक्शंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, इनका ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट हमने मेथड पढ़ा था कोलतार से वो भी इम्पॉर्टेंट है। ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड से किस प्रकार से पिरिडीन प्राप्त करते हैं, आइए देखिए। हीटिंग ऑफ ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड विद एमोनिया,
दिस इज ग्लूटाकोनिक एल्डिहाइड, ये देखिए CHO एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें टॉटोमेरिज्म हो रहा है या चलावयवता हो रही है। चलावयवता से देखिए आप जो ये C डबल बॉन्ड O है वो OH में कन्वर्ट हो गया, और ये जो डबल बॉन्ड है डबल यहाँ डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो गया, ये आप देख ही रहे हैं, और ये O माइनस हो जाएगा, और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन दोनों कार्बन के बीच में आ गए, ये देखिए C डबल बॉन्ड C हो गया, और ये जो H निकला है इलेक्ट्रॉन्स के बगैर H प्लस, तो वो H प्लस आके यहाँ जुड़ गया, तो ये OH हो गया क्योंकि ये H प्लस यहाँ से निकल के आया था। तो क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, इस बंद के इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में जा रहे हैं। अब आप देखिए कि ये जो टॉटोमराइजेशन के बाद जो दूसरा हमको इनोलिक स्ट्रक्चर मिला है इसको कहते हैं कीटो फॉर्म और FORM, और इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म FORM। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म था और उससे हमें ये इनॉलिक रूप हमें प्राप्त हुआ। इसका एमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, ये देखें एमोनिया के साथ जब रिएक्शन हो रहा है इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। यूँ याद रखिए कि सी डबल बॉन्ड यहाँ से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन निकल गए, तो H2O यहाँ से निकल गया, ये जो नाइट्रोजन NH बचा हुआ है वो CH के साथ आके जुड़ गया, और ये वाला नया हमको उत्पाद इस तरह से मिला जहाँ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसमें रीअरेंजमेंट होता है। अब आप देखें कि रीअरेंजमेंट किस प्रकार से हो रहा है, ये देखिए सी डबल बॉन्ड सी जो डबल सिंगल बॉन्ड ओ है उसकी जगह ये सी डबल बॉन्ड ओ हो गया है, और यानी इस जो ऑक्सीजन के लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में गए, ये इन दोनों के बीच में गया, ये इन दोनों के बीच में गया, और ये नाइट्रोजन के ऊपर आया। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन जो है वो H प्लस के रूप में फ्री हो गया, और आप देख सकते हैं कि इस बंद के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने की वजह से ये C डबल बॉन्ड O बना है। इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ये डबल बॉन्ड टूटा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना, जो कि ये डबल बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है क्योंकि इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे आप देखिए यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड बना है शिफ्ट होके, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, और नाइट्रोजन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने लिए तो N माइनस के रूप में आ गया, लेकिन यहाँ जो बॉन्ड टूटा था वो जो H प्लस होके निकला था वो H प्लस जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर आके जुड़ जाता है, तो जिससे कि आप देख सकते हैं कि NH था यानी नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन था, और वो जो है अब आके N ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इस वाले नाइट्रोजन पे जुड़ जाता है, तो ये NH2 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट होता है। एरोज आप यहाँ OH इसको लिख लीजिए, इस हाइड्रोजन को यूँ ना लिख के ऐसे शिफ्ट कीजिए, ऐसे शिफ्ट कीजिए, ऐसे शिफ्ट कीजिए, ऐसे शिफ्ट कीजिए, और ये जो H है वो इस नाइट्रोजन पे आके जुड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको ये कंपाउंड मिलता है। इसमें से देखिए जो नाइट्रोजन है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हैं, और जो है उसके बाद फिर नाइट्रोजन का कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक होगा और फिर ये रिंग बन जाएगी पिरिडीन की। तो ये देखते हैं हाउ इट हैपन्स। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं कि एसिटिलीन से हेमीमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन। ये एसिटिलीन है और ये मेडिसिनल सिंथेसिस का मेथड है। इसमें ये है हेमीमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड और इस अमोनिया और ये एसिटिलीन, इनका रिएक्शन किया है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड एल्मिना के साथ, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। दो मिथाइल अल्कोहल मिलेंगे, एक वाटर बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और साथ ही मिलेगा पिरिडीन। इसके बाद है पेंटामिथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ भी रिएक्शन कर से भी हम जो है पिरिडीन प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए ये है पेंटामिथिलीन डायमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड पेंटामिथिलीन, क्योंकि ये CH2 ग्रुप जो है वो मिथिलीन कहलाता है, 1, 2, 3, 4 और 5,
पेंटामिथिलीन है ये, और डायमीन ये NH2 डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये भी HCl और ये HCl, तो डाईहाइड्रोक्लोराइड हुआ। इसको हीट किया, हीट करने पर साइक्लाइजेशन हुआ क्योंकि इसमें से NH4Cl और HCl इसमें से निकल गया है इन से, जिसकी वजह से रिंग बन गया है और पाइपरिडीन हमको प्राप्त हुआ। पाइपरिडीन का जब हमने ऑक्सीडेशन किया तो जो है पिरिडीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे रिएक्शंस थे। मुझे उम्मीद है आपको आज वाले रिएक्शंस समझ में आए होंगे, आज के इन्फॉर्मेशन समझ में आए होंगे। सारे जो रिएक्शंस हैं पिरिडीन के इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी एंड कीप ऑन मेकिंग योर नोट्स। डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछ लीजिएगा। वंस अगैन कीप स्टडिंग।